स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के चैनल टेक ढिंगाना में। और मुझे अक्सर करके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं वाईफाई अडेप्टर के लिए और 3G डोंगल्स के लिए। तो कोई कहता है यहाँ पे हमने नया सेटअप बॉक्स ख़रीदा है, इसमें कौन सा वाईफाई अडेप्टर काम करेगा। तो कोई कहता है हमने सॉफ्टवेयर चेंज किया तो हमारा वाईफाई अडेप्टर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप जो है सोल्यूशन बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ आपके सेटअप बॉक्स में इंटरनेट चलाने के लिए। इसके अलावा 5वां कोई तरीका नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको जो वाईफाई अडेप्टर और 3G डोंगल बताने वाला हूँ ये सारी यूनिवर्सल है, लगभग सारी बॉक्स में ये काम करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, चाहे आप यूट्यूब चलाइए या फिर IPTV देखिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5 बॉक्स है यहाँ पर, ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये सब इसमें काम करता है। तो सबसे पहला जो आसान तरीका होता है हमारा वाईफाई अडेप्टर का, जो सभी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें 2 टाइप के वाईफाई आते हैं। एक तो आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये, और दूसरा स्क्रीन पे ये जो आप देख रहे हैं 150 Mbps वाला वाईफाई होता है, ये सभी में काम करता है, इसे यूनिवर्सल वाईफाई कहते हैं। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 300 Mbps वाला होता है, ये जो सॉफ्टवेयर में ये काम नहीं करता है तो ये इसमें काम कर जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर ये वाईफाई अडेप्टर इसमें काम कर रहा है और मैंने इसमें कोई सॉफ्टवेयर कर लिया इस बॉक्स में और ये काम नहीं करता है तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा वाईफाई अडेप्टर यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 टाइप के वाईफाई अडेप्टर आते हैं, सारी फ्री डिश के बॉक्स में ये काम करते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो ये तो रहा हमारा वाईफाई अडेप्टर, जहाँ पे आप 2 वाईफाई अडेप्टर को अगर हमारे पास रखते हैं तो आपकी कोई परेशानी जाने वाली नहीं है। तीसरा 3G डोंगल का, तो मेरे पास जो 3G डोंगल आप देख रहे हैं ये एयरटेल का है, यहाँ पे किसी भी सिम को आप इसमें लगा सकते हैं और इसको बनाया है हुआई कंपनी ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है E1731। तो इस टाइप के 3G डोंगल आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं हुआई कंपनी के, एक तो होता है एयरटेल का और एक होता है आइडिया का। तो ये जो होते हैं ये सभी में काम करते हैं। अगर आप कोई भी सेटअप बॉक्स यूज़ करें तो ये यूनिवर्सल 3G डोंगल होता है, ये सभी में काम करता है। अगर आपका वाईफाई अडेप्टर चेंज हो जाता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, ये सभी में काम करता है। तो ये हो चुके हैं हमारे 2 तरीके। उसके बाद तीसरा तरीका और सबसे सस्ता तरीका जो मैं मानता हूँ सभी के लिए, तो वो होता है डेटा केबल के ज़रिए। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 3G डोंगल, वाईफाई अडेप्टर और डेटा केबल तीनों ही ऑप्शन मिलते हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए, और मैंने इस टाइप के सॉफ्टवेयर भी आपको दे चुका हूँ पहले। तो ये मेरे पास DigiWay का बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आपको 3G डोंगल, वाईफाई अडेप्टर और डेटा केबल की मदद से आप जो इसमें इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये तीसरा तरीका हो चुका, और ये वाईफाई अडेप्टर और 3G डोंगल और डेटा केबल सभी में नहीं आता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में आपको जो है तीनों ही चीज़ें देखने को मिलती है। चौथा और सबसे आखिरी तरीका जो हमारा होता है वो होता है सिम वाला। तो ये मेरे पास बॉक्स है क्लैन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, लेकिन 2G वाला है। और इसके अलावा 3G वाले भी आते हैं जहाँ पर आपका 3G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं दोस्तों, तो ये चारों तरीके से आप जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं आपके बॉक्स में। और सबसे खास तरीका जो होता है वो होता है वाईफाई अडेप्टर का। तो अगर आपके पास दोनों ही वाईफाई अडेप्टर मौजूद रहेंगे तो आप किसी भी बॉक्स में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जो है उसको बड़ी आसानी से चला पाएंगे। तो आई होप, मुझे लगता है आप सभी के जितने भी क्वेश्चन थे सबको आंसर मिल चुका होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।